बारह निकलते। हेलो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप पानी की पाइप। ये चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक में है, पहाड़ियों के पास में स्थित बैरा गांव लगता है। यहाँ पर शायद पहले बोरिंग की जा रही थी, तो बोरिंग करने के दौरान अचानक से पानी अपने आप ही निकलने लगा। अब पानी रुक नहीं रहा था, तो बोरिंग यहाँ पर नहीं किया गया, बस पाइप छोड़ दिया गया और लगातार पानी ये मैं पिछले एक सालों से देख रहा हूँ। इधर रोज इधर से आते जाते थे, लेकिन आज हम कहे रुक कर देख ही लिया जाए। ये हमेशा ऐसे पानी निकलता रहता है, कोई मशीन नहीं लगी हुई है, ना ही इसमें कोई सिस्टम है, बस पाइप है। ऊपर से एक पाइप लगा दिया गया है मोड़दार, क्योंकि पाइप बगल निकल सके और यहाँ के लोग अपना उपयोग कर सके। ये लगातार देखिए, ये नीचे से भी पानी फेंक रहा है। ये जहाँ पर पानी गिर रहा उसी के बगल, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूमिंग कर रहा हूँ, ये देखिए ये बगल में, ये उस क्षेत्र में वहाँ पे अपने से भी पाइप जमीन के नीचे से फेंक रहा है। जहाँ पाइप है वहाँ हाथ रखिए, तो हाँ जहाँ हाथ रख रहे हैं, ये यहाँ से पानी जमीन के नीचे से भी निकल रहा है। ये है नेचुरल वाटर रिसोर्स, प्राकृतिक जल संसाधन। वहाँ से उधर पीछे से भी निकल रहा है। ये हमारे देश की प्रकृति है, नेचर की एक अद्भुत शक्ति है, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम पहाड़ियों को आप लोगों को दिखाते हैं। ये यहाँ पर पास में ही बहुत सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ लोग रहते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, छोटी छोटी अपना बस्तियाँ बना के रहते हैं आसपास, तो इसी पानी से वो अपना जीवन यापन करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, यहीं से ले जाते हैं। ये लगातार पानी निकलता रहता है। एक तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली बात भी है कि पानी लगातार निकलता रहता है, दूसरा चिंता का भी विषय है कि जो भूमि जल स्तर है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा यहाँ का, क्योंकि पानी लगातार निकलकर ज़मीन की सतह पर आ रहा है, फिर वाष्पित होकर वो बादलों में चला जाएगा, तो भूमि जल स्तर कम होता जाएगा। लेकिन पानी की शुद्धता आप देख सकते हैं, बहुत एकदम चमकता हुआ इस तरह से पानी बूंदों के रूप में गिर रहा है, ऐसा लगता है जैसे मोतियां सफ़ेद पूरी बिखेर रही हो। ठीक है, बस इतना ही, बस यही बताना था। चलिए बाय।